नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट्स की एजुकेशनल वीडियो में। आज रिवर सीरीज में हम पढ़ेंगे यमुना रिवर के बारे में। यमुना की शुरुआत होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय में, जो कि समुद्र तल से 7,924 मीटर ऊपर है। घरवाल और जॉनसन एरिया, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से फ्लो करती है। फिर 22 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके ये कोदार मजरी, जो कि गांव है वहां का, वहां पहुंच जाती है। कोंच को लीव करती है और उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। यमुना ही क्यारदा दून और देहरादून को सेपरेट करती है। ये एक और बाउंड्री बनाती है इस डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश में। हिमाचल में इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 5,872 किलोमीटर, और हिमाचल में इस एरिया का 10% बहता है। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है कोदार माजर, जो एक गांव है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है टोन्स रिवर। टोन्स रिवर हर की दून, जो एक हाई ऑल्टीट्यूड वैली है, वहां से शुरू होती है। इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है पब्बर, जो यमुना को कलसी में ज्वाइन करती है। कलसी देहरादून से 48 किलोमीटर पे है और देहरादून का वेस्टर्न पार्ट बनाती है। पब्बर रिवर जो है वो धौलाधार रेंज, हिमाचल की धौलाधार रेंज और उत्तराखंड के बॉर्डर पे शुरू होती है। शिमला का एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर भी इसे कहा जा सकता है। इसकी और ट्रिब्यूटरी दो और ट्रिब्यूटरीज है, बता और गिरी। हिमाचल प्रदेश का ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है यमुना। ये देखिए, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये शुरू होती है, फिर इसमें टोन्स रिवर और कलसी रिवर मिल जाती है। हिमाचल एंटर होती है खदार मंजरी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है वहां। मुखामपुर में इसे गिरी रिवर ज्वाइन करती है। इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो धांवरी सुंदरा, साबरा कुडू गिरी, अंधरा, ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर पर, यमुना रिवर पे। मेजर टाउन्स की अगर बात करें तो रोहडू, हाटकोटी, जुब्बल, कोटखाई, नाहन, पौंटा साहिब, चायल, निरौ, सोलन, परवानू, त्यूनी, नेथवार और गिरिनगर यहाँ पर स्थित है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।